नमस्कार, न्यूज लाइव प्लेस सच के तालाब में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, करनी सेना देवघर द्वारा आज शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर लव जिहादियों के खिलाफ विरोध मोर्चा निकाला गया। जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में निकिता हत्याकांड मामले में सरकार से दोषियों को फांसी देने और भविष्य में इसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देने की मांग की गई। जिले के कई करनी सैनिकों द्वारा निकिता को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल जलाया गया एवं कैंडल जलाने के उपरांत कैंडल मार्च निकाला गया। प्रदेश महामंत्री विजय प्रताप सनातन ने कहा कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जिस प्रकार से एक बेटी की हत्या की गई, यह लचर कानून व्यवस्था का घोतक है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभय आनंद झा, संजीव कुमार झा, महेश दुबे, अभिजीत सिंह, रवि रंजन, नीलेश कुमार सिंह, अजय नंदन, प्रीतम तिवारी, विक्रम राठौर, रवि रंजन, दीपक सिंह, वरुण सिंह, मनीष सिंह, छोटू सिंह, विकास कुमार, वीरू सिंह, मिठू सिंह एवं दर्जनों करने सैनिक मौजूद थे। आज वीर कुंवर सिंह चौक पर देवघर के नौजवान करनी सेना के सब सैनिक आज यहाँ उपस्थित इसलिए हम लोग हुए हैं कि निकिता जैसी बेटियां, न जाने कितनी बेटियां इस आत्मा को झेल रही हैं और इस बेटी को एक धर्म परिवर्तन के लिए जो उकसाया गया और वो न मानी तो उसे मौत दे दिया गया। ऐसे दुष्टाचार, ऐसे दुस्साहस करने वाले ऐसे दुर्योधन को मैं चाहता हूँ और हम लोग चाहते हैं कि उसको तुरंत ही तुरंत गदा जैसे और तीर जैसे हथियारों को भेदम किया जाए और उस रूपी फांसी देने का काम तुरंत करे। इसमें ज्यादा विलम्ब होता है तो करनी सेना न कि पूरे भारत का युवक एक आंदोलन छेड़ेगा। यदि इसका फांसी तुरंत नहीं होता है, महीने के अंदर नहीं होता है, तो हम लोग आत्महत्या करने पर उतर जाएंगे। आत्महत्या करेंगे यदि उसकी हत्या फांसी के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं होती है। तो जय करनी सेना, जय मां करनी। करनी सेना आज दिनांक 31/10/2020 को निकिता तोमर, जिनकी हत्या बल्लभगढ़ फरीदाबाद में हुई, तौसिफ खान के लड़के ने धर्म परिवर्तन के नाम पर उससे जोर जबरदस्ती निकाह करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया और नहीं मानने पर उसने उसे गोली से छलनी कर दिया सरेआम, जिसके विरोध में आज देवघर करनी सेना की ओर से वीर कुंवर सिंह चौक पर हम सभी जमा हुए हैं। हमारे अध्यक्ष पिंटू जी के नेतृत्व में हमारे प्रांतीय महासचिव सनातन जी, विजय सनातन जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि तौसिफ खान जैसे और भी गद्दार इस देश के, जो कि धर्म परिवर्तन के नाम पर लव जिहाद छेड़ रखा है इन्होंने, उन सब जैसे लोगों को, लड़कों को चुन चुन कर कानून के तहत कार्रवाई की जाए और आगे ऐसा कृत्य दोबारा घटना ना हो, इसके लिए कठोर कानून बने जिससे कि हमारी बहनें सुरक्षित सम्मानपूर्वक घर से बाहर निकलें और घर वापस सुरक्षित वापस लौटें। इसके लिए आज करनी सेना अपना पुरजोर विरोध जताती है और यह हम लोग मांग करते हैं कि तौसिफ खान जैसे गद्दारों को फांसी की सजा हो और उस ये मैसेज पूरे भारत में जाए कि जिस जघन्य अपराध उसने किया है वैसा कोई दोबारा जरूरत ना करे, हिम्मत ना करे। इसके लिए करनी सेना मांग करती है कि तौसिफ खान को एक मिसाल तौर पे सब लोग जाने कि इसने ये गलत काम किया था, उसका अंजाम क्या होता है। करनी सेना इसकी भर्त्सना करती है और हम लोग चाहते हैं उसे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसे फांसी की सजा मिले। वो जिसको कि पूरे मीडिया भी और कैमरे में भी कैद है, उस मर्डर को, मर्डर का सीन, इसलिए इसमें देरी ना करें, न्याय उस लड़की को मिले। निकिता तोमर के साथ पूरी करनी सेना मजबूती के साथ खड़ी है।
और न्याय हम लेकर रहेंगे। देखते हैं हमारी संस्था कब तक न्याय दिलाने में काबिल होती है, नहीं तो हम लोग पूरे भारतवर्ष में आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं।